नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब रसायन विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्ट रूप में होंगे, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग बात कर चुके हैं, पहले इंडिया जी के देख चुके हैं, वर्ल्ड जी के देख चुके हैं, कंप्यूटर से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं इसी तरह के। फिर हम लोगों ने पॉलिटिकल जी के देखा था, बायोलॉजी, फिजिक्स। आज हमें बात करेंगे रसायन विज्ञान। याद रखना, आपके जो भी इस तरह के टेस्ट हैं वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे, वो है आप आपकी अपनी प्लेलिस्ट सूची सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से, ठीक है, उसी में डले रहते हैं। तो बात करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो याद रखना है अवक्षेपण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका क्या होगा, ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। वो आपको बता देना है उदासीनीकरण। दूसरे में बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपकी उपचयन अभिक्रिया। तीसरे में सी क्वेश्चन है हमारा चार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पांच, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो आपको बता देना है उदासीनीकरण और विस्थापन, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ये आपकी उदासीनीकरण है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको बता देना है इसमें होगा अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आठ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। तो हमेशा 7 से कम। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दस, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। OH- आयन, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। यह आपका हाइड्रोजन। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है जो नीले लिटमस के घोल्स को लाल बनाते हैं, क्या उन्हें क्या कहा जाता है। अम्ल। 13 में आपका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन है 14, जल जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। क्षार। 14 में आपका बी है। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है।
तो याद रखना पीएच बराबर 0। क्वेश्चन 15 का आपका सी है। क्वेश्चन है आपका 16, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकन से। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यह आपका विरंजक चूर्ण, बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक। 18 में आपका बी है। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटीसिड का। बात करते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। 20 में क्या होगा? बी ऑप्शन। याद रखिए आप लोग, अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जो हम लोग टेस्ट इस तरह की शुरू किए हुए हैं हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रूम में, तो इनसे आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं से, क्योंकि इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से रट लीजिए और कह लीजिए फिर कि आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उन सब का ही निचोड़ है, मेरा मानना यही है। क्योंकि जो आपके 500-700 क्वेश्चन हैं, किसी सब्जेक्ट में 700 हैं, किसी में 800 हैं, किसी में 1000, तो वे सब का उनसे निचोड़ लिया गया। अब जिस तरह हम लोग केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम मुझे लगता है कि सभी जो आपकी केमिस्ट्री है उसका निचोड़ है ये 7 जितने भी क्वेश्चन हैं 500-700, तो इन्हीं में से आपसे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रसायन विज्ञान में जो भी आएंगे। ठीक है, तो इन्हें एक दो बार देख लें, अच्छे से रट लें जो भी आपको अच्छा लगे। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको बता देना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात करते हैं 22वां क्वेश्चन। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? काली। ये ऑप्शन सही है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह है आपका ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन है हमारा 24। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है 14। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है 7। बात करते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? यह आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। बात करते हैं 27वां क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 28। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 29। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? यह है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 29। सूर्य विकास की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? यह आपकी विकास प्रकाश रासायनिक। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 31। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, 31 में बी आपका ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 32वां क्वेश्चन।
अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। 32 में आपका ए है। बात करते हैं 33वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? याद रखना है श्वेत चमकदार। 33 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है आपका 34, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 35वें क्वेश्चन की, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? फिलास्टर ऑफ पेरिस। 35 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 36, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2, 2.2। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 37, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? याद रखना बेकिंग सोडा। बात करते हैं हम लोग 38वें क्वेश्चन की, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो याद रखना छारी, क्षारकीय दंत मंजन का। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो याद रखना ग्रेफाइट। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये आपकी सोडियम। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की, जस्ता के अयस्क है जिंक ब्लड। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन की, एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो ये आपकी ऑक्सीजन गैस। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 43, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में आपका 2% कार्बन होता है। सी ऑप्शन सही होगा। 44, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ये है आपकी सोना। बी ऑप्शन सही है। ये धातु है सोना, कोई बाबू सोना नहीं है, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 45, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि अधिक अधिक से अधिक लोग टिकटॉक पर मुजरा ही कर रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट जो भी आप देखते हैं, जहाँ भी देखो आप, ये पता नहीं कहाँ से टिकटॉक आ चुका है। जहाँ देखो वहाँ टिकटॉक ही टिकटॉक स्टार छाए हुए हैं। गांव में देखो, किसी भी शहर में देखो, कहीं भी देखो। चलिए अपना काम है, हर कोई कर रहा है, वो भी तो किसी का काम है। तुम्हारा पढ़ाई कर लो, वो अपना मुजरा कर लें, बराबर है। चलिए 46वां क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तन्यता के लिए। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 47, इनमें से कौन सी धातु चमकीला है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। क्वेश्चन है हमारा 48, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा है
सुचालक, ऊष्मा का सुचालक है। क्वेश्चन है हमारा 49, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? यह है आपकी पोटासियम। क्वेश्चन है हमारा 50, आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। 50 में आपका बी है। क्वेश्चन है हमारा 51, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं क्षारीय। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं क्षारीय। क्वेश्चन है हमारा 52, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखा सोडियम को, ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन की। आभूषण बनने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। बात करते हैं 54वें क्वेश्चन की। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50 55, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये आपकी मरकरी, मरकरी। क्वेश्चन है हमारा 56, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को, 56 में आपका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपका 57, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो ये आपका श्वेत फास्फोरस। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। क्वेश्चन है हमारा 59, भूपर्पटी में सुप्तन्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नांकित में से कौन है? यह आपकी एजी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60, निम्न में कौन अधातु है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका अधातु है। बात करते हैं हम लोग 61 क्वेश्चन। ताम एवं टिन टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, क्या कहते हैं? कांसा। क्वेश्चन है हमारा 62, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। क्वेश्चन है हमारा 63, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर। 63 में आपका डी है। क्वेश्चन है आपका 64, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ये आपका हीरा। बात करते हैं हम लोग 65 क्वेश्चन की। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर ऑक्साइड। चलिए 66वां क्वेश्चन है हमारा, सिलिका क्या है? सिलिका आपकी उपधातु है, क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन है हमारा 67, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो याद रखना अगाध वैधता, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अम्लगम, अमलगम, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 79, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 70, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में
युवकों में प्रिया नहीं होता है, जल में विलेता, जल में विलेता। बात करते हैं 71वां क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन है 72, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, सभी। तो 72 में आपका डी होगा, सभी। बात करते हैं हम लोग 73वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? एथेनॉल। बात करते हैं 74वें क्वेश्चन की, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु। बात करते हैं हम लोग 75 क्वेश्चन की, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है 334 के। बात करते हैं 76 क्वेश्चन, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है? मृदु जल में। 76 का आपका बी है। क्वेश्चन है हमारा 77, निम्न में कौन जल में आविलीय है? एथाइन। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? हीरा ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपर रूप। बात करते हैं 79 क्वेश्चन की, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है आपको जिससे एथेनॉल बना है। ये है आपका एथेन, ईथेन। बात करते हैं 80वां क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका ग्रेफाइट, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 81वां क्वेश्चन, रबर निम्न में किसका बहुलक है? आइसोपीन का। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सी ऑप्शन सही। बात करते हैं 83वां क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक, कैसा? अपारदर्शक। क्वेश्चन है हमारा 84, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये तत्व कहलाता है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? यौगिक। क्वेश्चन है हमारा 86, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? क्या बनता है? मिश्रण, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 88, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड, ये ऑप्शन सही है। बात करते हैं 89वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में, ग्रेफाइट में, दोनों में। तो याद रखना सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों में। बात करते हैं 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो आपको याद रखना है अमोनिया, अमोनिया आपका एक यौगिक है। बात करते हैं 91वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। बात करते हैं हम लोग 52वें क्वेश्चन, वायु क्या है? वायु आपका मिश्रण है।
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 93, स्टेनलेस स्टील क्या है? ये आपका मिश्रण है। चलिए 94वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ना तो तथ्य और ना ही यौगिक है? तो इसमें है आपकी वायु, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 95, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। बात करते हैं 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। 96 में आपका सी है। बात करते हैं 97 क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण आपका यौगिक है। क्वेश्चन है हमारा 98, बारूद होता है आपका मिश्रण, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 99, क्या है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने। बात करते हैं 100वां क्वेश्चन, कोयला क्या है? कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। तो चलिए ये थे आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक। 101 से हम लोग आगे बात करेंगे। याद रखिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो उसका आंसर आप लोग सही करके कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा थोड़ा डिटेल्स के साथ, जिससे दूसरा अगर देखता है तो उसे सही आंसर पता चल सके, क्योंकि एक दूसरे को लेकर ही आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप लोग।